देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समता की मूर्ति नाम से 19 फुट ऊंची इस प्रतिमा का शनिवार को अमेरिका में अनावरण किया गया। ये प्रतिमा मैरीलैंड के एकोकिक स्थित अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का हिस्सा है। हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार को ये मूर्ति बनाने का ठेका दिया। उन्होंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। हमने इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की मूर्ति नाम दिया है, क्योंकि हम किसी भेदभाव में यकीन नहीं करते हैं। इस मौके पर भारतीय अमेरिकी लोगों के साथ साथ बाबा साहेब के अनुयायियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सबको यकीन है कि ये प्रतिमा दुनिया भर में बाबा साहेब के आदर्शों के प्रसार में अहम साबित होगी। This is a historic moment for many all of the Indian Americans. ये भारत से आए भारतीयों और भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। हमारा मानना है कि ये अमेरिका के सभी लोगों और सभी राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु होगा। Black, Hispanic, all the nationalities. यहाँ पे हम एक वर्ल्ड क्लास का एक मेमोरियल सेंटर बाबा साहब को डेडिकेट करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि अगले 5 साल में इस काम को हम पूरा कर पाएंगे। मैरीलैंड में स्थापित समता की ये मूर्ति बिल्कुल हैदराबाद में बाबा साहेब अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जैसी है। हैदराबाद में बाबा साहेब की मूर्ति इससे 6.5 गुनी ऊंची यानी 125 फीट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।